तेजी से विकसित होते और नित बदलते भारत की मिसाल बनकर उभरी है भारतीय रेल। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर हिस्से में आधुनिक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की दिशा में पिछले 9 वर्षों में अभूतपूर्व काम हुए हैं। रेलवे भी इन 9 वर्षों में आधुनिक, तेज, सुरक्षित और नवीन हुई है। नए भारत की नई रेलवे आज समग्र बदलावों के साथ जन जन की रेलवे बनकर उभरी है। हमने सिर्फ स्केल और स्पीड को ही बेहतर नहीं किया, बल्कि अनेक स्तरों पर सुधार किया। ये सुधार क्वालिटी में हुआ है, सुविधा में हुआ है, सुरक्षा में हुआ है, स्वच्छता में हुआ है। देश भर में रेलवे स्टेशनों की स्थिति में सुधार आज स्पष्ट दिखता है। गरीब और मध्यम वर्ग को भी आज वही माहौल दिया जा रहा है जो कभी साधन संपन्न लोगों की पहुंच में ही होता था। डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए रेलवे परियोजनाओं सहित कई महत्वपूर्ण सौगातें दी हैं। इसी क्रम में 2300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। बिरला नगर से उदी मोड़ तक 103 किलोमीटर और महोबा खजुराहो उदयपुरा रेल खंड पर 196 किलोमीटर के विद्युतीकरण से ग्वालियर और इटावा स्टेशनों के बीच सीधा संपर्क हो जाएगा, जिससे पैसेंजर ट्रेनों और फ्रेट ट्रेनों दोनों की रफ्तार बढ़ेगी, पर्यटकों को आसानी होगी। विद्युतीकरण हो जाने से अब इस खंड पर ट्रैक्शन बदलने की आवश्यकता नहीं होगी, डीजल की बचत होगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट 183 किलोमीटर गेज परिवर्तन सहित विद्युतीकरण से आवागमन सुगम होगा और ट्रेनों का संचालन बढ़ेगा। इस रेल खंड में स्थित छिंदवाड़ा स्टेशन एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है, जो पचमढ़ी, पातालकोट तथा पेंच राष्ट्रीय उद्यान जैसे पर्यटन स्थल को जोड़ता है। इस खंड के ब्रॉड गेज होने से पर्यटकों की यात्रा तेज और सुगम होगी और मंडला जिले के आदिवासी भाई बहनों के आर्थिक तरक्की के नए अवसर बनेंगे। इसी के साथ अब मध्य प्रदेश में रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है। हरित रेलवे के विजन के साथ वर्ष 2030 तक नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो संकल्प लिया गया है, उसकी सिद्धि में ये कार्य अहम साबित होगा। आज ही ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य प्रारंभ हो रहा है। यह स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यहाँ आगमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग ब्लॉक होंगे ताकि यात्रियों को सुविधा हो। साथ ही होंगी पार्किंग की सुविधा, इंटर मॉडल कनेक्टिविटी, विशाल रूफ प्लाजा और प्रतीक्षालय, एस्केलेटर, लिफ्ट, सीढ़ी, स्काई वॉक से जुड़े प्लेटफॉर्म और दिव्यांग जन के अनुकूल सुविधाएं। साथ ही आज छिंदवाड़ा से नैनपुर और रीवा से इतवारी के लिए नई ट्रेनों की शुरुआत भी की जा रही है, जिससे छिंदवाड़ा नैनपुर और रीवा इतवारी के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इन ट्रेनों के प्रारंभ होने से शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार एवं व्यापार की असीम संभावनाओं को गति मिलेगी और रोजगार के साधन बढ़ेंगे, जिससे ये संपूर्ण क्षेत्र सर्वांगीण विकास की दिशा में तेजी से बढ़ेगा। आधुनिक विकास के लक्ष्य के साथ इन रेलवे परियोजनाओं से कृषि, उद्योग और पर्यटन जैसे अहम सेक्टर को विशेष बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। पूरे क्षेत्र की आर्थिक सामाजिक प्रगति को गति मिलेगी और भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश और तेजी से प्रगति पथ पर अग्रसर होगा।